अल्लाह जब किसी से नाराज होता है रिस्क नहीं छीनता, आबोदाना बंद नहीं करता, सूरज को हुक्म नहीं करता कि इसके आंगन में रोशनी नहीं फैलानी, चांद को नहीं रोकता कि तेरी किरणें इसके वेड़े में नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि अल्लाह जब किसी से नाराज होता है सजदों की तौफीक छीन लेता है। सजदों की तौफीक छिन गई तो फिर समझो अल्लाह नाराज है, अल्लाह राजी नहीं है। और अगर सजदों की तौफीक नसीब हो जाए, किसी ने वासफ अली वासफ मरहूम से पूछा था कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है, तो उन्होंने कहा था एक नमाज के बाद दूसरी अता हो जाए तो समझ लो पहली कबूल हो गई है। तो नमाजों का नसीब होना ये अल्लाह की रिजा और अल्लाह की खुशनुदी की दलील है, और सजदों की तौफीक का छिन जाना ये अल्लाह की नाराजगी की दलील है। मैं और आप देखें कि हम कहां खड़े। देखिए दौलत तो कुफार को भी मिलती है, अल्लाह दौलत उसे भी देता है जिससे राजी है, उसे भी देता है जिससे नहीं राजी, लेकिन सजदों की तौफीक उसे ही देता है जिस पे वो राजी है। तो पंच गाना नमाज शियारे जिंदगी बना लीजिए, नमाज कजा ना होने पाए, कयामत के दिन बेनमाजी उस सफ में खड़ा होगा जिस सफ में नमरूद खड़ा होगा, जिस सफ में हामान खड़ा होगा, कारून खड़ा होगा, शद्दाद खड़ा होगा। मुझे बताइए हम में से कोई ये गवारा करता है हम उस सफ में खड़े कर दिए जाएं जहां दुश्मनाने खुदा खड़े हों। आज कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, हशर के दिन हुक्म होगा कि अल्लाह के हुजूर सजदा करो, हर कोई सजदा करना चाहेगा, जो नहीं पढ़ता वो भी करना चाहेगा, लेकिन बेनमाजी की कमर अकड़ जाएगी, वो आरजू रखने के बावजूद सजदा नहीं कर पाएगा। कुरान बताता है कुछ लोग जहन्नम को धकेले जा रहे होंगे, उन्हें कुछ लोग पूछेंगे मासाला का कुम्फी सकर, तुम जहन्नम को क्यों जा रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, तो वो जवाब में क्या कहेंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। सबसे पहला हिसाब कयामत के दिन जो बंदे से लिया जाएगा वो नमाज का लिया जाएगा, पहला सवाल बंदे से यार चिड़ियां भी रब की तस्बीह बोलें और अशरफुल मखलूकात सोया रहे, जब सुबह का वक्त होता है हशरातुल अर्ज भी बिलों से निकल के रब की तकदीस के तराने पड़ रहे होते, दरख्तों की शाखों पे चिड़ियां परिंदे वो भी अल्लाह की तकदीस के तराने पड़ रहे होते हैं, हशरातुल अर्ज भी उसकी तकदीस के गीत गा रहे होते हैं और अशरफुल मखलूकात खराटे ले रहा हो, इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है। आइए पांच गाना नमाज शियारे जिंदगी बना ले। इस मजलिस में अगर कोई बेनमाजी है तो आज अज़्म मुसम्मम करके यहां से लौटे कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, और अगर आप पंच गाना नमाज की आदत रखते हैं तो आपको मुबारक हो, लेकिन ये अज़्म करके जाइए अपने घरों में, अपने अज़्ज़ा व अक़रबा और अपने दोस्तों में इस जोर से तलकीन और ताकीद करेंगे नमाज की कि वो पक्के नमाजी बन जाएंगे। बंदा बंदगी से सजता है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। अगर जिंदगी में बंदगी नहीं तो जिंदगी के पल्ले है क्या। उलमा ने लिखा है कि ये सारे दरख्त हालते कयाम में हैं, चौपाई हालते रकू में हैं, मेंढक तशहुद में हैं और हशरातुल अर्ज सजदे में हैं, और इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसकी इबादत में दरख्तों का कयाम भी रखा गया और रुकू भी रखे गए और सजदे भी रखे गए और कादे भी रखे गए, इसलिए ताकि इसकी इबादत तमाम मखलूकात की इबादत की जामे बन जाए, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होना पसंद न करे तो बताइए कैसे रहमतें इसके ऊपर उतरेंगी। खुश नसीब तो वो हैं जो पांच गाना नमाज अदा करने के बाद तहज्जुद भी कजा नहीं होने दे, सजदों से अल्लाह के हुजूर हाजिरी पेश करते हैं। सबसे ज्यादा बंदा अल्लाह के उस वक्त करीब होता है जब सजदे में सर रखा हुआ होता है, इंसान के अशरफ आजा उसके सर में है, बोलने की कुव्वत जुबान सर में, देखने की कुव्वत आंखें सर में, सूंघने की कुव्वत नाक सर में, चखने की कुव्वत जुबान सर में, सुनने की कुव्वत कान सर में, सोचने की कुव्वत दिमाग सर में, और सर मालिक के दर पे। नाक भी रगड़ रहा है, पेशानी भी रगड़ रहा है और जुबान से क्या कह रहा है, सुबहान रब्बी अल आला, मालिक मुझसे नीचे कोई नहीं, तेरे से बाला कोई नहीं। इंसान को बंदगी का जौक जब नसीब हो जाता है, जब उसके हुजूर बंदा झुकने लग जाता है, तो फिर वो किसी के आगे नहीं झुकता। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदे से आदमी को देता है नजात।